नमस्कार, तुसी देख रहे हो इंसाफ टीवी ते इस वेले दी खबर लैके हाजिर होया हाँ, जिथे पिंड दी कई एकड़ जमीन दे उपर नजायज़ कब्जा छुड़ाउण आए हलका दीनानगर दे कानूनगो अते पटवारी समेत सैकटरी गए बिना कोई कार्रवाई किते वापस। कहा पार्टी नू अज दूसरा नोटिस भेजिया है अते कानून दी प्रक्रिया अनुसार तीन नोटिस भेजना है जरूरी। कहा कानून दी हदायतां अनुसार तीसरा नोटिस भेजना जरूरी है, तीसरा नोटिस भेजन के मौके करांगे कार्रवाई। जिक्र जो है कि हलका दीनानगर के पिंड मटम विच पंचायती जमीन के उपर नजायज़ कब्जा छुड़ाउण लई अज जिला प्रशासन वालों दीनानगर के कानूनगो पटवारी अते सैकटरी समेत कई पंचायत सैकटरी के अधिकारी भी पिंड मटम विच पहुंचे अते DDPO गुरदासपुर के दिशा निर्देशों से नजायज़ किए गए पंचायती जमीन उपर कब्जे को छुड़ाउण लई यतन किया गया, जिथे जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत JCB मशीन तक मौके पर पहुंची, पर दूसरे धिर ने जिसने कब्जा किया होया सी दूसरी उत्थे नहीं पहुंचे, अधिकारियों के बुलाते भी नहीं पहुंचे। ये कह के अधिकारी फिर वापस मुड़ गए कि तीसरा नोटिस भेजना जरूरी है जो कानून की एक प्रक्रिया है, जल्द तीसरा नोटिस भेजांगे अते फिर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जानकारी दिंदिया होया दीनानगर पन्याड़ हल्के के कानूनगो केशवपाल नाल हलका पटवारी निशान सिंह ने दसिया कि पिंड मटमा विच पिंड की कई एकड़ जमीन पंचायती जमीन उपर पार्टी ने रस्ता कट के नजायज़ कब्जा किया होया है, जिसनों मानयोग DDPO अते मानयोग पंचायत सैकटरी के हुक्मां ते अज नजायज़ कब्जे को छुड़ाने वास्ते आई सी, पर दूसरी पार्टी पहला भी एक नोटिस दिता सी ते अज दूसरा चौकीदार जो पिंड का है उसके हाथ नोटिस भेजा है, लेकिन जो नहीं पहुँचे हूँ असी इन्हों तीसरा नोटिस भेजेंगे अते फिर तीसरा नोटिस भेजते सार ही असी कानून की प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई करांगे। मुद्दा अपना की अहुदा की ना है ते की कार्रवाई अज मैं कानूनगो पन्याड़ केशवपाल अज मुताबक हुक्म मानयोग DDPO साहब गुरदासपुर वालों जारी दखल वारंट के संबंध में ग्राम पंचायत छोटे मटमा दखल करने की कार्रवाई करने लिए आया हाँ। मौके पर दूसरी पार्टी जी हाजिर नहीं आई, घर भी सुनेहा भेजा गया पर मौके पर उन्होंने वालों कोई हाजिर नहीं आया, चौकीदार राही उन्होंने लिखती सलाह लिए भी भेजा गया समन पर वो मौके पर हाजिर नहीं आए। कितनी बारी सुनेहा भेज चुके हो? एक बार बुलाया गया ते जां नोटिस भेजे गए ते अग्गे की लिए एक बारी अग्गे एक बारी अज 28/7 दो बार इन्हां नूं नोटिस दिता गया पर ये मौके पर हाजिर नहीं आ रहे ते अगला नोटिस दे के इन्हां नूं जल्दी जिहड़ी आ कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी जाएगी। मेरे नाल मौके पर पिंड मटवा के पटवारी साहब ने हाजिर हाँ ते मेरे वालों जी दखल कार्रवाई की जानी सी पर पार्टी के हाजिर ना होने कारण अगली कार्रवाई जी अगली तरीक इन्हों जल्दी दे के ते कार्रवाई अमल च लिया जाएगी। सर मामला की ना थोड़ा? सर मामला मेरा नाम निशान सिंह पटवारी जी मैं हाँ। मामला सर ये पंचायत की जमीन ही इतने कोई नजायज़ रस्ता ही बनाया ये मानयोग डायरैक्टर साहब वालों इनू रस्ते नजायज़ कब्जा करके बेदखली का आर्डर हुए तो वो कब्जा लैन नहीं आए। अज की कार्रवाई की है? फिर अज कार्रवाई पहले फर्स्ट टाइम इन्हें नोटिस दिता है तो बंदे जेडे कुछ ने नोट नहीं किया हम नैक्सट टाइम अगला रखे जी। जी अगे नहीं होंगे कोई तो फिर अगर कार्रवाई की जाएगी? हाँ जी अगे की जाएगी जी। सर मेरा पिंड है मटम सरदार सरपंच बिक्रमजीत सिंह ठीक तो ये अज है आर्डर से पुटन का तो अज दखल लेना ही गदोप रॉय साहब पहुँचे ने इतने सैकटरी साहब BDO साहब तो महकमे सारा पहुँचे इतने तो ये अज दखल लेना सीगा तो दूजी पार्टी इतने मौके पर हाजिर नहीं हैगी। कितनी जगह है तो की मसला है? ये जगह हैगी कोई 500 फुट लंबाई है 125 फुट तो 12 फुट चढ़ाई है जिदे नजायज़ कब्जा किया सर तो यह जरा कब्जा ही ना अज पूरा महकमा गुरदाओ पटवारी साहब के नाले सैकटरी साहब अपने पंचायत सैकटरी साहब इतने पहुंचे ने मौके पर तो वो मौके पर दूजी पार्टी हाजिर नहीं हैगी। गुरदाओ साहब ने कहा भी एक बार मौका हो देना वा
तो वह मौका देगा जे दूजी वारी जे ना हाजिर हो गए तो मेरे वालों कोई मौका नहीं है। एक किस बिहाव से जी कार्रवाई की जाती है कोई मानजोग कोर्ट के अधीश है जी? ये सर पहले फस्ट टाइम तो आप बी डी ओ साहब तो शुरू होए थे जो अपने कोर्ट डी डी पी ओ साहब वालों आर्डर किए गए ही ये जरा खारज करता ये ग्राम पंचायत के हक किया इधरों इन्होंने साढ़े हक च करके तो अगों इन्होंने जो डायरेक्टर साहब से पाई अपील उतों खारज हो गई है वह भी साढ़े हक च हो गई है तो वो करके सू इन बेदखल करके तो सू प्रवानगी दी है भी ये पंचायत के हक के किस चीज़ के उपर कब्जा जरा ये ग्राम पंचायत पिंड मटमा की हैगी जमीन जी रस्ता रुस्ता ये रस्ता वा ये रस्ता नहीं है ये ग्राम पंचायत की जमीन है जी ये नजायज ये कब्जा किया वा रात चोरी इट लाई आ तो इन्होंने ग्राम पंचायत को ना किसी पुछया ना गिछया तो इस करके वे रात इन्होंने रात चोरी 250 बंदा ला के तो इन्होंने नजायज कब्जा किया वा तो ये जमीन उपजाऊ जमीन है ये घर तो 20 एकड़ जमीन है जिदे छोटे मटमां दी ते वड्डे मटमां दी पंचायत सांझी जिदे दो हिस्से हो गए ने तो जिहड़ा वड्डे मटमां दी पंचायत दे विच इन्हें रात को नजायज कब्जा किया वा तो ये हुण बिल्कुल ही खारज करता वा पंचायत ग्राम पंचायत के हक च किया वा तो बिना कोई कार्रवाई किए ही अधिकारी वापस गया हूँ देखते हैं कि तीसरा नोटिस भेजन के अधिकार अधिकारी कार्रवाई करते हैं जां की हुंदा है यह तो आने वाला समा दसेगा पर अज बिना कोई कार्रवाई किए ही अधिकारियों को वापस जाना पिया तो देखते रहो इंसाफ टीवी पल पल दी खबरां लैके असीं तुहाडे लई हाजिर होंदे रहांगे दोस्तों स्क्रीन के दिए नंबर से संपर्क करके तुसीं किसी भी प्रकार के इश्तहार अते खबरां लई साडे नाल संपर्क कर सकते हो साडी टीम तुहाडे लई 24 घंटे हाजिर है तो देखते रहो इंसाफ टीवी जय हिंद दोस्तों धन्यवाद।